आपकी इस छोटी सी गलती के कारण फ्यूचर में आपके शरीर में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। एक और रीजन है, ठंडा पानी हमें क्यों नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी पीने से पेट को उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। नमस्कार, योगा आरोग्य चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे पानी पीने के नियम के बारे में। बागभट्ट जी ने क्या बताया है, क्वेश्चन आते हैं कि क्या खाने के बीच में हम पानी पी सकते हैं, क्या खाने खाने के बाद में हम पानी पी सकते हैं, अगर पी सकते हैं तो खाना खाने के कितनी देर बाद हम पानी पी सकते हैं। आज की वीडियो इसी पर होने वाली है कि पानी कब पीना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है और कब अच्छा नहीं होता है, अगर हमें खाने के बीच में पानी पीना है तो कितना पानी हम पी सकते हैं। पानी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि पानी हमारी हेल्थ के लिए किस प्रकार के हेल्दी हो सकता है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें जो दिखने में बहुत छोटी लगती हैं इन पर ही हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। अगर हम ये छोटी छोटी गलतियां हर रोज़ करते रहेंगे तो ये एक दिन जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले लेती हैं। बागभट्ट जी ने बताया है कि अगर खाने के बीच में हम पानी पीते हैं या खाना खाने के तुरंत बाद हम पानी पीते हैं तो ये विष के समान है। विष मीन्स जहर के समान है। क्यों जहर के समान है? क्योंकि अगर हम मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं और खाने के बीच में जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में अग्नि जलती है, अग्नि जिसको जठर अग्नि बोलते हैं, और अगर हम उस जलती हुई अग्नि पे पानी डाल देंगे तो वह खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा। और खाना खाने के बाद लगभग 1.5 घंटे तक हमारे पेट में खाना रहता है। जानवरों का बताया गया है कि 3 से 4 घंटे उनके पेट में खाना रहता है। ऐसे ही जो लोग ज़्यादा वर्क करते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, जैसे किसान है, किसान खेतों में बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार सुबह से शाम तक फिजिकल वर्क करते रहते हैं, उनके लिए बताया गया है कि उनका खाना 1 घंटे तक जठर के संपर्क में रहता है, मीन्स पेट में रहता है उनका खाना। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ पर अग्नि का प्रभाव, जठर अग्नि का प्रभाव 2 से 2.5 घंटे तक रहता है। ये डिपेंड करता है, जहाँ ठंडा मौसम है, पहाड़ी एरियाज हो गए जैसे, वहाँ पर थोड़ा कम असर रहेगा क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर कम है। इसीलिए बताया गया है कि खाना खाने के 1.5 घंटे तक खाना जठर अग्नि के संपर्क में रहता है। इसीलिए खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद तक पानी पीना विष के समान माना गया है, अगर आप इससे पहले पानी पी लेते हैं। लेकिन खाना खाने से 40 मिनट पहले या 1 घंटे पहले आप जितना मर्जी पानी पी लीजिए, उससे और आपकी जठराग्नि तेज होगी और आपको खुलकर भूख लगेगी। अगर आप खाना खाने से पहले हल्का गुनगुना पानी पीते हैं तो आप देखेंगे कि आपको खुलकर भूख लगेगी और बहुत अच्छे से आप पेट भर के खाना खा पाएंगे। 3 चीज़ें हैं जो हम अपने खाने के साथ पी सकते हैं, जो अलग अलग टाइम पर हमें लेनी है। कुछ लोगों को पसंद होता है खाने के साथ लिक्विड लेना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए आप सुबह का खाना खा रहे हैं तो उसके बाद आप ताज़ा फलों का जूस ले सकते हैं। दोपहर का खाना आप खा रहे हैं उसके बाद आप छाछ या लस्सी ले सकते हैं। रात का खाना आप खा रहे हैं उसके बाद आप दूध पी सकते हैं। 3 चीज़ें बताई गई हैं पीने के लिए, जो आपको बता दिया गया है कि आप कौन से खाने के बाद आप कौन सी चीज़ ले सकते हैं, जिससे आपको आपके खाने के पूरे बेनिफिट मिलेंगे और आपको कुछ नुकसान भी नहीं होगा। पानी पीने का सही तरीका क्या होना चाहिए? आजकल फैशन बन गया है कि फ्रिज में से बोतल उठाई और पूरी बोतल पानी की पी गए, बिना एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाते हैं। उनको पता नहीं है कि वे अपनी हेल्थ के साथ कितना गलत कर रहे हैं। जब हमें पानी हमेशा सिप सिप करके पीना चाहिए, इसके पीछे भी कारण है वो अभी हम जानेंगे। क्योंकि जब हम सिप सिप करके पानी पीते हैं, इससे हमारे मुँह का सलाइवा, जिसको लार कहते हैं, वह पानी के साथ मिक्स होकर हमारे पेट में जाती हैं, जिससे जो हमारे पेट में अम्ल है, जिससे हमारा खाना पचता है, वह न्यूट्रल हो जाता है। आपने देखा भी होगा, पक्षियों को देखिए, पशुओं को देखिए, कि वे पानी को चाट चाट कर पीते हैं। इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि उनको प्रकृति ने जैसे सिखाया वे वैसे ही करते हैं, लेकिन हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं और वो सभी चीज़ें करते हैं जो हमें ना करने के लिए बताई गई है। फ्रिज का ठंडा पानी अगर कंटिन्यू पिएंगे, इससे आपके आंतें सिकुड़ने लगेंगी, इससे हार्निया जैसी, अपेंडिक्स जैसी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जब आंतें सिकुड़ने लगेंगी, वे अपना काम अच्छे से नहीं करेंगी, खाना उनमें सड़ने लगेगा। जो लोग रेगुलर ठंडा पानी पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। ठंडा पानी पीने से पेट को उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी के लिए उसको ब्लड चाहिए। फिर क्या होता है कि ब्लड और हिस्सों से
पेट की तरफ आना और अंगों से पेट की तरफ आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके उनकी आंतें सिकुड़ने लगती है और उनका जो डाइजेशन है वह भी अच्छा नहीं रहता है। कभी कभी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर जो लोग रेगुलर ठंडा पानी पीते हैं, और सोचिए उनके शरीर के साथ डेली ये प्रोसेस हो रहा है कि उन्होंने ठंडा पानी पिया, पेट को उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी के लिए ब्लड चाहिए। अब ब्लड कहाँ कैसे होगा, ब्लड पेट की तरफ फिर और अंगों से आना शुरू हो जाता है। अब जिन अंगों से ब्लड पेट की तरफ आ रहा है उन अंगों में खून की कमी होना शुरू हो जाती है, जिससे उन अंगों में बीमारियां होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण सिर की तरफ से ब्लड आएगा, फिर हार्ट की तरफ से ब्लड आएगा। तो ऐसे कर करके जब सारे अंगों से ब्लड आना शुरू हो जाता है तो जिन पार्ट्स में खून की कमी हो रही है वहां पर बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। अगर यही प्रक्रिया रेगुलर होती रहती है, उन लोगों को समझ नहीं आता है कि सिर्फ उनकी एक छोटी सी गलती के कारण उनका शरीर बीमारियों का घर होता जा रहा है। जो लोग रेगुलर फ्रिज का रखा हुआ ज्यादा ठंडा पानी पी रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, हमेशा निरोगी रखना चाहते हैं, इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए। ठंडा पानी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप सोच भी नहीं पाएंगे आपकी इस छोटी सी गलती के कारण फ्यूचर में आपके शरीर में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। कुछ लोग तो रेगुलर बेसिस पर बहुत ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का रखा हुआ पानी पीते हैं। इसीलिए प्लीज़ अपनी हैबिट को चेंज कीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए। आप खुद ही सोचिए, अगर आप किसी मशीन के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वे कितने दिन तक चलेगा, उसके पार्ट्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह ही है, उसके भी पार्ट्स हैं। इसीलिए अपने शरीर को खुद समझें, हमारा शरीर हमें बताता है कि हमें क्या चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही नॉलेजफुल कॉन्टेंट मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नॉलेजफुल कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।